रिलेटिव वेलोसिटी, बात करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए हमने जो अभी तक वेलोसिटी की बात की, एक तो हम बात करते थे एब्सोल्यूट वेलोसिटी की। अगर मैं कहता हूं कि माय वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, तो हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते थे और ग्राउंड को हम स्टेशनरी मान के चलते थे, ठीक है। तो अब जरा समझिएगा रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। मान लिया कि मैं एक ट्रेन के डिब्बे में बैठा हूं, मान लेते हैं मैं यहां बैठा हूं, मैं ट्रेन तो बना नहीं पाऊंगा, वैसे हलवा टाइप की बना रहा हूं ट्रेन, ऐसे होती नहीं वैसे। अगर आप यहां बैठे हुए मान लिया, ठीक है, इस प्रकार से, और हम यहां बैठे हुए हैं इस प्रकार से, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप हमको, आधे घंटे बाद, तब भी हम यहीं रहेंगे, आप यहीं रहेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 50 मीटर है तो थोड़ी देर बाद भी आप देखेंगे दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर ही रहेगी। तो हम क्या कहेंगे, बताया आपको गया है, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम कहेंगे कि बॉडी इज स्टेशनरी। तो ये हम ये कहेंगे कि ये स्टेशनरी है और ये कहेंगे ये स्टेशनरी है, बोथ आर स्टेशनरी। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म के पास से गुजरती है, यहां पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको क्या लगता है कि दोनों लोग ट्रेन से चले गए, ठीक है, या हमें क्या लगता है कि हम यहां से गए, हमने कहा लखनऊ आने वाला है, लखनऊ आया, लखनऊ चला गया, लेकिन हम वही हैं, लेकिन लखनऊ अचल, और जो प्लेटफॉर्म पे लखनऊ पे जो खड़ा हुआ था उसने कहा ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आई, उसमें एपी वाजपेयी थे, एपी वाजपेयी चले गए, मतलब ट्रेन से चले गए और कहीं नहीं गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि हम वहीं बैठे हैं, ये साहब कह रहे हैं हम चले गए, यानी हम तो मोशन में थे। तो इसका मतलब जो मोशन की हम बात कर रहे थे, एब्सोल्यूट मोशन के बारे में बात कर रहे थे, वो अधूरी बात थी। हमको मोशन लेना पड़ेगा रिलेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, तुम्हारे रेस्पेक्ट में हम वही हैं, ये कह रहे हैं हम चले गए, ये कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, यानी कि दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने रिलेटिव मोशन के बारे में बात की कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। हम अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं, लेकिन अगर हमको किसी दूसरे प्लेनेट से देखा जाएगा तो आई एम इन मोशन, हम मोशन में हैं, ठीक है। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी वैसे कुछ नहीं है, एक फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बस। इसके जब न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे तब ये क्लैरिफिकेशन होता है, बहुत ज्यादा थ्योरी को एक्सप्लेन करने से समझ में नहीं आता, ठीक है, और कंफ्यूज होता। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अब जरा समझिएगा, अगर ये बस है मान लिया और दूसरी बस यहां पर है, और मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है, ठीक है, और ये मान लिया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वेलोसिटी से इधर की ओर जा रही है, तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप कहेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 1 सेकंड में ये इसको कवर, इसको पकड़ लेगी। लेकिन अगर ये भी इधर चल रही है और 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, तो देखिए ध्यान से, 1 सेकेंड में जब यहां पहुंचेगी तो क्या यहां ट्रेन या बस इसको मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी, फार्मूला तो मैंने सही लगाया है। तो अब यहां पर गड़बड़ है कि ये फार्मूला यहां काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हो रहा है कि जो फर्स्ट बस है, ये ए बस है, वो 1 सेकेंड में जब 10 मीटर चली, यहां पहुंची जहां पहली वाली बस थी, वो 1 सेकेंड में 5 मीटर चली, ठीक है। तो दोनों के, अब देखिए ये 10 मीटर चली, ये 5 मीटर चली, इसका मतलब अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, यानी डिस्टेंस तो कम हुई लेकिन पकड़ में नहीं आई, ठीक है। आगे वाले ने ये कहा, पहले ये वाली जो बस है, यहां एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक ड्राइवर मान लेते हैं, उसने कहा ये वाली बस मेरे नजदीक आ गई 5 मीटर आगे बढ़ के, और ये क्या कह रहा है कि ये वाली बस हमारे पीछे आ गई है 5 मीटर। तो हमको ये वेलोसिटी यहां नहीं लेनी है, हमको यहां पर दूसरी कोई वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये जो कह रहा है इसके बारे में कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है कि ये इसको पकड़ रहा है ना, इसको लग रहा है ये बस हर सेकेंड इसके नजदीक आ रही है, और ये कह रहा है कि इधर से नजदीक आ रही है, तो आपको यहां रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो देखिए हमको दो चीजें यहां याद रखनी है, बहुत ज्यादा लेंदी आपको इसको नहीं खींचना है, वेलोसिटी किसकी लेनी है, वो सोर्स है, और जिसके रेस्पेक्ट में लेनी है, कौन ले रहा है उसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, नहीं समझे।
अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बी, तो एक्चुअली वेलोसिटी निकालनी किसकी है, कौन निकालना चाहता है, कौन निकालना चाहता है, बी निकालनी वेलोसिटी ए की, और निकाल कौन रहा है, बी। तो कहने का मतलब बी में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इसको आप वेक्टर क्वांटिटी ले लीजिएगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कौन वेलोसिटी निकाल रहा है, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर कहां पे है, बी में, और किसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको लिखने का तरीका क्या, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो पहले और जो निकाल रहा है उसकी वेलोसिटी बाद में। ये क्वेश्चन हम पहले भी लगाते थे जब आप 10th लेवल तक आप पढ़ते थे, ट्रेन के क्वेश्चंस थे, दो ट्रेन्स ऐसे पास होती थी, ठीक है, तो क्या करते थे आप, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, वो तो मैं डायग्राम उल्टा बता रहा हूं, बता उल्टा रहा हूं, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होती तो डिफरेंस क्या आता, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी जीरो होती है। इस कॉन्सेप्ट को पिक्चर में बहुत यूज किया जाता है, दो ट्रेन पैरेलल जाती है एक स्पीड से, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहती हैं, यहां से विलन उतरता है उस ट्रेन में जाता है, वहां एक मर्डर करता है, फिर लौट के इस ट्रेन में आ जाता है, फिर वो रास्ते में ध्यान आते एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, वो कहीं खिड़की से झांक रहा होता है, फिर उसको मारने के लिए पिक्चर बनती है, हीरो उसको बचाता है, उसमें पिक्चर बन जाती है। तो यानी यहां कौन सी वेलोसिटी ली जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिर हम बता रहे हैं। अब जरा समझिएगा, इसको लेने के पहले एक साइन कन्वेंशन समझ लीजिएगा। अगर वेलोसिटी इधर की ओर आप ले रहे हैं तो ये वेलोसिटी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, जो भी इधर जा रहा होगा, और अगर वेलोसिटी इधर ले रहे हैं तो वेलोसिटी हमेशा निगेटिव ली जाएगी, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में निगेटिव। जैसे अभी हम वेक्टर मेथड से इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे, देखिए ध्यान से, जैसे ये कोई बॉडी ए जा रही है, वी ए वेलोसिटी से ये बॉडी ए जा रही है, बॉडी ए है, और दूसरी बॉडी इधर ही जा रही है, वी बी वेलोसिटी जा रही है, और ये बॉडी बी है, और हम निकालना चाहते हैं वी ए बी, तो बताइए हम क्या निकालना चाहते हैं, यानी वेलोसिटी ए की निकालनी है, रेस्पेक्ट में बी के निकालनी है, जो ऑब्जर्वर है जो निकाल रहा है वो कहां पर है, बी में है, तो यानी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही तो लिखेंगे ना। अच्छा, ये तो पहला केस हो गया। अच्छा, दूसरा केस, अगर मान लिया ये ए इधर की ओर जा रहा है वी ए वेलोसिटी से, ये ए बॉडी है, और ये कोई दूसरा है जो इधर की ओर आ रहा है वी बी वेलोसिटी से, ये बी बॉडी है, और आपको वी ए बी निकालना है, तो यानी आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेक्टर मेथड से डायरेक्शन चेंज होने से साइन चेंज हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, बस प्लस कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा वी ए बी। समझ में आ गया। अच्छा, जब हम वेलोसिटी ऑफ ए के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली हम किस वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। हम कौन सी वेलोसिटी ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं अपनी वेलोसिटी, वो अर्थ है, वो अर्थ को हम फिलहाल स्टेशनरी मानते हैं, इसलिए क्योंकि हम अर्थ पे हैं। तो यानी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर कहीं लिखा हो वेलोसिटी ऑफ ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए जी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी ली जाती है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो चूंकि एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जीरो होता है, माइनस मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूं फिलहाल, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू जी, अगर यहां पर फॉर्मूला लगा देते वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी,
तो क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ जी, ये तो लिखेंगे आप। हमारी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मैं अपनी भी रिलेटिव वेलोसिटी ले रहा हूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ जी। अगर हम ब्रैकेट खोले या ना खोले, देखिए वैसे तो जी कट जाएगा लेकिन वेलोसिटी ऑफ जी वैसे होगी क्या, हम चूंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड ले रहे हो जीरो होगा, तो यह हो जाएगा वी ए माइनस जीरो माइनस वी बी माइनस जीरो, तो वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। तो एक्चुअली में जब हम अपनी वेलोसिटी लेते हैं तो ये दिमाग में अपने रखते हैं हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। जरा एक कंसेप्ट और समझिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक बस एक जो है जीप है उसमें एक पुलिस वाला बैठा हुआ है और बहुत बहुत तेजी से जीप चोर की तरफ भाग रही है और चोर कार से भाग रहा है और उसने गोली मारी, तो बताओ गोली उस चोर को कितनी देर बाद लगेगी या चोर को गोली कितनी स्पीड से आती हुई नजर आएगी, ठीक है। देखिए तो इसमें जरा समझिएगा, मान लेते हैं ये एक जीप है, अब जीप चूंकि पुलिस के पास पहले हुआ करती थी इसलिए मान लेते हैं इसमें पुलिस है, एक जीप है और जीप में पहिया भी लगे होंगे, जीप जो है कोई वेलोसिटी आप ले लेते हैं जैसे हमने जो ले रखी वही लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो इधर जा रही है, तो जीप की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। उसके ऊपर मान लिया एक पुलिस वाला बैठा हुआ है और वो ऐसे बंदूक पकड़ा दो उसको, ज्यादा अच्छा डायग्राम बना नहीं पाते, ऐसे पकड़ा दो उसको और यहां से वो बंदूक से जो है गन चलाता है, गन तो बंदूक ही कहते हैं, गोली चलाता है और 70 मीटर की रफ्तार से चलाता है, ठीक है। ये इस रफ्तार किसके रेस्पेक्ट में है, जीप के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जीप के रेस्पेक्ट में है। जरा समझिएगा, ये मैंने बंदूक की जो गोली छोटी होती है मैंने ऐसे हाथ में पकड़ ली, मैंने फेंकी नहीं और बड़ी तेजी से हम चले जा रहे हैं जीप से और कोई सामने हमारे आएगा तो ये जिस रफ्तार से जीप से हम जा रहे हैं ना उस रफ्तार से उसके अंदर घुस जाएगी, सही कह रहा हूं। यानी कि अगर वो केवल बंदूक पकड़े रहता ऐसे गोली ना दागता और गोली ऐसे आगे लगा लेता जैसे देखा होगा बंदूक की चाकू लगी रहती है, वो छोड़ता ना, वो ऐसे पकड़े रहता और ऐसे पकड़ के एकदम से जो चोर आ जाता सामने वो केवल जीप से ही ऐसे लगा देता, तो जिस रफ्तार से जीप जा रही है उस रफ्तार से बंदूक की जो बंदूक उसके उसी स्पीड से उस चोर को लगती। मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, यानी कि जो आपकी ये गोली है अगर यहां पर कोई आदमी ग्राउंड में खड़ा होता, ये ग्राउंड में खड़ा हुआ है जो व्यक्ति है ये ऑन ग्राउंड है, तो बताइए इस आदमी को ये गोली किस रफ्तार से किस वेलोसिटी से जाती हुई नजर आएगी। देखिए यानी वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू, अब गन तो ग्राउंड भी आ जाएगा, गन मतलब अच्छा वेलोसिटी ऑफ बंदूक हिंदी में लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बंदूक माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड होगा, बंदूक की रफ्तार क्या है, ये एक्चुअली में जो इसकी रफ्तार है ना वो किसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में है, तो यहां पर इसको स्पीड क्या नजर आएगी, यहां पर इसको 100 मीटर स्पीड नजर आएगी माइनस, फिर समझिएगा वो गोली अपने आप जो है 30 की रफ्तार से जा रही थी, अपने आप जा रही थी और उसके बाद उससे अगर वो उस गोली को मैं उछाल देता ऐसे ऐसे कर देता, मैं बता रहा हूं, अगर मैं गोली को ऐसे उछाल देता अपने हाथ से छोड़ देता तब भी वो 30 की रफ्तार से आगे जाती न जाती। प्रैक्टिकली आप समझिएगा, अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं और आप एक हाथ में बॉल रखे हुए हैं और बॉल को उछालिए, तो नियमता से बॉल जब आपने उछाल लिया जब तक बॉल हाथ में आई है हमारी ट्रेन का डिब्बा आगे बढ़ गया है, तो हम वहां पे अब तो है नहीं, लेकिन बॉल मेरे हाथ में आ जाती है, क्यों, क्योंकि बॉल जब मेरे हाथ में थी तो बॉल की वही स्पीड थी जो ट्रेन की स्पीड थी, जो मेरी स्पीड थी वो भी इसी स्पीड जा रही थी, वो हाथ में आ जाती है। अब आप कहेंगे साहब कभी कभी तो नहीं आती है, एक बार हमने उछाला था वो नहीं आई थी, अब ये हो सकता है कि भाई खिड़की खुली हो बहुत तेजी से हवा आ रही हो इसलिए हो सकता है स्पीड ये ना आ रही हो,
देखिए वेलोसिटी इसकी स्पीड कितनी है, 70 है। वेलोसिटी ऑफ गन, गन ही लिख देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू जीप का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ गन माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप। जरा समझिएगा, जब मैं वेलोसिटी ऑफ गन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा ना यहां पर, या स्मॉल जी लिख दो, और वेलोसिटी ऑफ जीप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा। वेलोसिटी ऑफ गन विद रेस्पेक्ट टू जीप कितनी है? 70। वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है पता नहीं, वो निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं, अरे वो जी जीप ये होती है। वेलोसिटी ऑफ गन किसके रेस्पेक्ट निकालनी है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इतनी में गन को बंदूक लिखते ज्यादा ठीक था। वेलोसिटी ऑफ बंदूक विद रेस्पेक्ट टू जीप, वेलोसिटी ऑफ बंदूक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बंदूक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, क्योंकि ग्राउंड में बैठा हुआ व्यक्ति उस बंदूक को देख रहा है बंदूक। और माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 30। तो वेलोसिटी ऑफ बंदूक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी नजर आएगी? 100। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये जो व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको बंदूक की रफ्तार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो नजर आएगी वो 100 समझ में आएगी। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मान लिया, ये नोट कर लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिक्कत करेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लिया यहां चोर है, क्योंकि चोर तो कार से चलते हैं, बहुत पैसा उनके पास होता है, कभी कभी नहीं भी होता होगा। ये चोर है और ये कार से चल रहा है, हम फिलहाल तो ट्राली ऐसी बनाए दे रहे हैं कार, ये चोर चल रहा है, हिंदी में चोर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, थीप थोड़ा सा स्टैंडर्ड नाम हो जाता है। और चोर की रफ्तार मैंने 80 मीटर पर सेकेंड ली है, 80 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए इसको थीप, चोर को सी ही मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ चोर यानी वेलोसिटी ऑफ सी, हिंदी में ही ठीक रहेगा। देखिए ध्यान से, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, ये गन की जो रफ्तार होगी, मैं गन की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ गन एक्चुअली में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है? देखिए, यानी कि जब गन छूटी थी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से जा रही थी? 100। किसकी तरफ जा रही थी? तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ गन विद रेस्पेक्ट टू चोर निकालें तो वेलोसिटी ऑफ गन माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर होगी। तो गन की रफ्तार कितनी है? 100। चोर की रफ्तार कितनी? 80। यानी रिलेटिव स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब यह हुआ कि जितनी देर में यह एक सेकेंड में 100 मीटर आगे आती है, मैं मान लूं कि यह जो चोर है वो इससे 100 मीटर दूर ही बैठा हुआ है, मैं मान लेता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये चोर यहां खड़ा रहता है कि आ जाओ गन मुझे लग जाओ, तो यह एक सेकेंड में आके उसको लग जाती। लेकिन ये जब ये जो गन है, मैं अब ये जीप को छोड़ देता हूं, केवल गन को ले लेता हूं, ये गन जब 100 मीटर पहुंचती है तो चोर एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस पे होता है? 80। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये यहां से 100 चला, वो वहां से 80 चला, है कितनी है? 80 क्यों है, कम नहीं हो गई? अच्छा, दोनों की रफ्तार ये 100 मीटर दूर थी, ठीक है, और एक सेकेंड में ये 100 चला यहां पर और ये यहां से 80 चला है। अब डिस्टेंस हो गई 80, कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई। तो मैंने क्या समझा कि एक सेकेंड में मैं चोर से 20 मीटर नजदीक पहुंचा, ये मैं कह सकता हूं ना, मैं तो चोर हूं नहीं, मैं तो इधर हूं, मैं पुलिस हूं या मैं गन हूं, तो गन क्या कहेगी कि एक सेकंड में चोर मेरी तरफ आ गया, यानी कि एक सेकंड में चोर हमारी तरफ 20 मीटर चला। तो चोर की स्पीड क्या थी गन के रेस्पेक्ट में? 20 मीटर पर सेकंड। और चोर समझेगा कि एक सेकंड में वो गन हमारी तरफ 20 मीटर आ गई, गन की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। तो हमको यहां रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक चीज आप याद कर लीजिए, ज्यादा चूंकि गन स्पीड चक्कर न मारिए, जब भी दो चीजें मोशन में होंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी। पहली चीज, वेलोसिटी ऑफ किसी की, वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में,
वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये देखना है कि ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, किसकी वेलोसिटी निकाली, जिसकी वेलोसिटी निकालनी वो पहले लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसको बाद में लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं चलिए, ये तो आपका वन डायमेंशनल हो गया, सीधी स्ट्रेट लाइन में हम चला रहे थे। अगर यहां टू डायमेंशनल स्पीड होती तो हम क्या करते, मतलब एक आप इधर जा रहे होते, हम इधर जा रहे होते, ठीक है आप जरा समझिएगा। अच्छा इसको लिखिए जरा, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, जरा समझिएगा। ये एक बॉडी है वी ए वेलोसिटी से जा रही है, ये एक बॉडी इधर जा रही है वी बी वेलोसिटी से। एक्चुअली में अगर इसकी स्पीड 100 होती, समझिए पहले इधर, इसकी स्पीड 200 होती तो अगर एक तरफ जाते तो 100-200 वो हम काउंट करते, लेकिन ये ऐसे जा रहे हैं ना तो दोनों के बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ रही है। तो अब आपको एक वेलोसिटी लेने से काम नहीं चलेगा, आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VAB लिखते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर हम ऐसा ना कहके वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कहने कोई दिक्कत, यानी अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए में से माइनस वेलोसिटी ऑफ बी को ऐड कर दें तो रिजल्टेंट जो भी निकलेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए भी निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब जरा वेक्टर को याद करिए, अगर वी ए माइनस वी बी करना है, ये दोनों के बीच एंगल मान लिया थीटा है, अगर वी ए माइनस वी बी करना है, मैं रिजल्टेंट निकालने जा रहा हूं, ये रिजल्टेंट ही तो है, वी ए माइनस वी बी को ऐड किया जो रिजल्टेंट आया दैट डिनोट द रिलेटिव वेलोसिटी, यही तो आप कहेंगे। अब जरा देखिए इसको कैसे ऐड करते हैं, पहले वी ए खींचते हैं, खींच लेते हैं, पहले हमने वी ए खींचा, ये हमने वी ए खींचा, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है 80 मीटर पर सेकंड थी, हमने एक वैल्यू ले ली कि 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया। फिर हमको क्या करना है, इसके हेड से इसका टेल खींचना है, एंगल कितना है थीटा, तो हमने क्या किया, यहां से थीटा ऐसे होगा ना, तो नीचे की ओर ये थीटा है, ये इतना नीचे की ओर हमने माइनस वी बी किया, ये जो वैल्यू मिली ये वाली, ये रिजल्टेंट है ना, ये वाली, यानी यही आपका वी ए बी हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई अल्फा। तो इस प्रकार से रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकाल सकते हैं, वेक्टर डायग्राम ड्रा करके निकाला है हमने, समझ में आ गई बात। अच्छा इसको भूल जाइए, गलत है ये, देखिए पहले वी ए खींचा आपने, ये वी ए खींच लिया हमने, दोबारा मैं खींच रहा हूं, ये वी ए खींचा आपने, समझ में आ गया। अब क्या होगा, जहां से इसका हेड खत्म होता है वहां से वी बी की टेल स्टार्ट होगी, वी बी की टेल हमने निकाली यहां पर। अब देखो वी बी की डायरेक्शन क्या है, ए से थीटा एंगल बनाते हुए ऐसी थी ना, लेकिन ये वी बी था ना, लेकिन आपको करना क्या है, माइनस वी बी, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, उसी को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हमने ऐसे खींच दिया, ये माइनस वी बी हो गया, यही थीटा था ना, अब ये वाली चीज हमने हटा दी, तो रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वाले का हेड टेल लास्ट वाले का हेड, तो ये रिजल्टेंट हुआ, ये रिजल्टेंट ही तो आपको क्या दे रहा है, ये रिजल्टेंट आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी दे रहा है। तो इस प्रकार से हम वेक्टर डायग्राम से ज्योमेट्रिकल, हाँ हमको लगेगा ऐसा प्रैक्टिकली लगेगा, ठीक है, जब आपको बताया जाएगा उसके रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, रेन कैसे आपको आती नजर आएगी तो समझ में आएगा वहां पर, ये समझ में आ गया। ये हमने ज्योमेट्री मेथड से किया, अब मैं मैथमेटिकल करना चाहता हूं तो आपको दो वेक्टर ऐड करने का एनालिटिकल मेथड पढ़ाया गया है, ठीक है, तो मैं एनालिटिकल मेथड से इसका रिजल्टेंट निकाल रहा हूं मैथमेटिकली। देखो ये वी ए था, ये वी बी था,
लेकिन हमको ऐड किसको करना है, वी ए माइनस वी बी को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए माइनस वी बी को अपोजिट ले जाना पड़ेगा ना, ये माइनस वी बी हो गया, ये थीटा था, तो वी ए माइनस वी बी के बीच एंगल कितना है, तो इसी का तो रिजल्टेंट निकालना है आपको। ये रिजल्टेंट आपको क्या देता है, वी ए बी देता है ना, यही रिजल्टेंट तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी देता है। कहने का मतलब ये हुआ, आप जरा भूल जाइए वेक्टर को, एनालिटिकल मेथड में इसका मैग्नीट्यूड वी ए, इसका वी बी, दोनों के बीच एंगल 180 माइनस थीटा, ये रिजल्टेंट तो हमने पढ़ रखा है वी ए बी स्क्वायर, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस माइनस वी बी स्क्वायर प्लस टू इंटू वी ए इंटू माइनस वी बी कॉज 180 माइनस थीटा। एक मिनट, देखो माइनस वी बी हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि मैंने एंगल चेंज कर दिया है, माइनस लेंगे तो एंगल नहीं चेंज करेंगे, तो ये प्लस वी में रहेगा ना, मैंने एंगल ऑलरेडी ले दिया ना उसका, जो मान ले 5 वैल्यू है, हम अगर माइनस 5 कर रहे हैं और हमने एंगल भी चेंज कर दिया, या तो एंगल हाँ और या तो डायरेक्शन चेंज करते हैं, हाँ, तो ये हो गया आपका वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए इंटू वी बी कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो वी ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए इंटू वी बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से भी हम रिजल्टिंग वेलोसिटी जो निकालेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी की का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं मालूम ये जो वेलोसिटी निकली है ये वी ए से अल्फा एंगल पे आती है, तो आपने पढ़ रखा है जरा एनालिटिकल मेथड से कि टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखो जरा डायग्राम याद करिए, जब ए से आप अल्फा लिखते थे तो लिखते थे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए से एंगल लेते थे, हमने एंगल वी ए से लिखा है तो यहां क्या लिखेंगे, वी बी साइन थीटा बोले तो 180 माइनस थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा, यही तो था फॉर्मूला, ना याद हो तो देखिए ये एनालिटिकल में ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये एंगल थीटा था, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये आ गया था बी साइन थीटा और इतनी वैल्यू क्या आई थी, बी कॉस थीटा, याद है ना, ये रिजल्टेंट था। अगर रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल बनावे तो टेन अल्फा क्या आ रहा था, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा था, तो यहां ए जो है जिसके साथ एंगल बनाना है वो वी ए है और आपका जो बी है वो आपका वी बी है, तो आएगा वी बी साइन 180 माइनस थीटा, तो इसको जब खोलेंगे तो आएगा वी बी साइन थीटा अपान वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। समझ में आ गया, तो इस प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम रेन मैन पर प्रॉब्लम बताएंगे, रेन कैसे बारिश होती है, आप कैसे छाता वाता लगाते हैं और कैसे किसी नदी में हम जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं, इसको बताने में आपको 15-20 मिनट क्यों लगेगा, और बताने के बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे, तो थोड़ा पढ़ के बैठिएगा। ओके, गुड नाइट बोल सकते हैं, गुड नाइट, ओके ओके, गुड नाइट।